पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोतने के मामले में लुधियाना की अदालत में यूथ अकाली दल की कोर कमेटी के सदस्य गुरदीप सिंह गोशा व मीतपाल दुगरी की पेशी हुई। उनके साथ श्रोमणी अकाली दल शहरी के प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लों भी थे। पेशी के बाद जहां ढिल्लों ने एक बार फिर से राजीव गांधी को 1984 के सिख विरोधी दंगों को शह देने का आरोप बताया और पार्टी की ओर से गोशा का साथ देने की बात कही, वहीं पर गोशा ने अपनी बात को एक बार फिर से दोहराया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मांग की कि रिमांड के दौरान उन पर अत्याचार करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो। एडवोकेट गगनदीप सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने अभी तक चालान नहीं पेश किया, जिसके चलते अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी, जबकि गोशा व मीतपाल दुगरी द्वारा पुलिस पर हिरासत में लगाए अत्याचार के आरोपों पर सुनवाई 24 जनवरी को होगी। आज सरदार गुरदीप सिंह गोशा और सरदार मीतपाल सिंह दुगरी जिन्हां ते पिछले दिन सरकार ने एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, आजाद भारत में हर व्यक्ति नूं अपने भावनावां प्रगट करन दा हक आ। जदों पिछले दिन दिल्ली दी हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार नूं सज़ा सुनाउंदे होए राजीव गांधी बारे कोर्ट कीता वी इन्हां दी सरपरस्ती हेठ सारा कुछ होया सी, सुभाविक गल आ वी किसे वी इंसान जो गैरतमंद आ उहदे मन दीआं भावनावां भड़क सकदीआं ने उस व्यक्ति खिलाफ़ जिन्हें हज़ारां दी तादाद विच कतल कराए होण ते उहनां नूं सरपरस्त दित्ती होवे ते इन्हां नौजवानां ने अपनीआं भावनावां ते काबू ना करदे रख सकदे होए जो एक्शन किया वो एक इन्हों भावनावान का प्रगटावा। पर साड़ी इस पंजाब की मौजूदा सरकार जो इन कातलों को सही साबित करने की कोशिश कर रही है बड़े लंबे समय तो उन्होंने इन्होंने नौजवानों से मुकदमा दर्ज करता और इन्होंने तशद्दुद किया। अज तरीक से असं हाजिरी लगाने वास्ते आए हैं और जो भी सानू अदालत तलब करूगी असं हाजिर हाँ, क्योंकि असं अदालत का कानून का सम्मान करते हैं, वो अनुसार असं चलते हैं, वो अनुसार सारा देश चलता। पर जी कांग्रेस है ये कानून की परवाह नहीं करती, ये अपने आप को कांग्रेस कानून तो उपर समझती है, कानून तो उपर समझ के ही इन्होंने नौजवानों से मुकदमा दर्ज किया और इन्होंने नौजवानों के प्रॉपर्टी को भी नुकसान। ये कांग्रेस की जी सब तो वीडी कोझी साढ़े नौजवानों के उत्ते साडे समाज के उत्ते हमेशा रही अंग्रेजा की नीति के अनुसार चलते हुए वो कुरकियां करते हैं, इन्होंने साड़िया जिड़िया जमीन जायदा या सा प्रॉपर्टी का नुकसान करने की कोशिश की है, पर असं परवाह नहीं करते। जो मामला राजीव गांधी के बोत वाला मामला कानून धज्जियां कांग्रेस सरकार ने उड़ाइया, जेडे बंदे कातल है उन्होंने 34 साल बाद सजावं हो रही, वह भी लुकोया जा रहा कांग्रेस सरकार वालों। तो ये आजाद देश है, आजाद देश असी एक प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया, पर उन्होंने कानून दी धज्जियां उड़ा के जिथे सिख ककारा की साड़ी बेइज्जती की गई, बेदबी की गई है, तो कुटमार की गई, तो उल्टा कांग्रेस सरकार जिहड़े लोगों ने बेदबी की है जिन्होंने माड़ा काम किया है कांग्रेस सरकार ने उन्होंने खिलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं हुई। अज मेरे ख्याल 15-16 दिन हो चुके हैं, साढ़े तो उस वेले कार्रवाई कर दी गई, जेडे लोगों ने उदो धज्जियां कानून दी उड़ाइया उन्होंने अज तक कार्रवाई नहीं। तो जो 34 साल का जो डिमांड है ये मत सोचण भुलेखे च ना रहन कि वो सोचणगे कि इन्हों दब लाँगे, नहीं पंजाबी कभी दबे नहीं गए, हमेशा इनकलाबी रहे, हमेशा इनकलाब जिंदाबाद करते रहेंगे। आने वाले टाइम कोर्ट के जी साडे केस राजीव गांधी के बुद्धे कालक वाली 26-2 की डेट पई है, तो जरा असी कंप्लेंट की जी कुटमार हुई थी जी ककारा की बेदबी की गई थी 24-1 पई है, तो मैं समझदा असी कानून से विश्वास रखते हैं, दूजे पक्ष वाले बंदे पहुंचे नहीं, पर असी हमेशा जिते जिते भी कानून अदालत सानू हुक्म करेगी असी उत्थे पहुंच के सिर नवा के उन्हां दा हुक्म मन्ना। अज पेशी सी जी, अज अवेटिंग चलान वास्ते चलान की वेट करन वास्ते 26-2 तरीक पाई है जज साहब ने, तो 26-2 पाई है, तो जिहड़ी कंप्लेंट सी जिहड़े पुलिस वाले ने मारकुट की सी उहदे विच 24 जनवरी तरीक पाई है, उन्हां ते फरदर एक्शन वास्ते जिहड़ी अगली गवाही असीं उन्हां वास्ते देणी, दोवें तरीक पै गई है। वेटिंग चलान आ लवे, चलान च आने तो बाद असीं चार्ज ते बहस करांगे, जिहड़ी धारावां ने बिल्कुल गलत लगियां ने उह चार्ज ते तोड़ावांगे। ब्यूरो रिपोर्ट लुधियाना।